एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। मेरी माता जी को लगता है कि कोई हमारे परिवार के ऊपर ऊपरी क्रिया करवाता है तथा वो कई लोगों पर शक भी करती हैं। पहले पिताजी उन्हें डांट देते थे पर वो भी अब कुछ नहीं कहते हैं, अभी तो वो भी शायद ऐसा ही मानने लगे हैं। माता जी महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि सभी नियमित करती हैं। उनका रोज का 8-9 घंटे इन्हीं सब में जाता है। पिताजी भी ये सब नियमित करते हैं, फिर भी माता जी को और पिताजी को यही शक रहता है कि कोई हम पर कुछ क्रिया करवा रहा है। पूर्णिमा अमावस्या जैसे विशेष दिनों पर माता जी अक्सर बीमार हो जाती हैं, तब किसी न किसी को पूजा करने के लिए बुलाना पड़ता है और तब वो ठीक होती हैं। उनका पूरा जीवन इसी में सिमट गया है। वो पीर बाबा आदि सभी बाबाओं के यहाँ जाती हैं, पिताजी भी उनके साथ इन सब में रहते हैं। वो घर पर आने जाने वाले सब लोगों पर भी शक करती हैं। कई बार वो रात में उठ जाती हैं और पूजा पर बैठ जाती हैं। दिन भर में पता नहीं कितनी बार वो सबकी नज़र उतारती हैं। जगह जगह से वो गंडे ताबीज बनवा कर लाती हैं और सबको पहनाती हैं। उनकी पूरी क्रिया ही इन सब पर निर्भर है। इतनी पूजा पाठ के बाद भी घर के वातावरण में बहुत नकारात्मकता, अशांति और उदासी है। घर से दूर रहने के बाद भी हम इन सब चीजों से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। पूरे समय दिमाग में यही चलता रहता है। कभी कभी हमें भी परिवार की एक सदस्य पर शक आ जाता है कि उन्होंने तो कोई उच्चाटन प्रयोग नहीं करवा रखा है। क्या ऐसा संभव है कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी नकारात्मक शक्ति का असर हो, या क्या ऊपरी क्रिया करवा कर किसी के जीवन को इस हद तक नियंत्रित किया जा सकता है? मार्गदर्शन करें। यह प्रश्न भारत के अधिकांश लोगों का हो सकता है, कुछ डिग्री कम, कुछ डिग्री ज्यादा। तमाम घरों में तमाम तरह के इसी तरह के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अगर हम पूजा पाठ को ध्यान साधना से रिप्लेस कर दें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे तुमने लिखा है कि तुम्हारी माता जी दिन के 7-8 घंटे पूजा में बिताती हैं और फिर भी जीवन में निराशा है, उदासी है, नकारात्मकता है। तो इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, कोई अपने दिन के 7-8 घंटे ध्यान में बिताए और अपने को बड़ा विशेष स्पेशल समझे कि मैं तो पूजा पाठ जैसे कर्मकांड और अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता, ध्यान करता हूं मैं, और फिर भी जीवन में अशांति रहे, नकारात्मकता रहे। ये संभव है, मैं ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से जानता रहा, क्योंकि तुम क्या करते हो इससे अंतर नहीं पड़ता। तुम क्या होते हो, तुम क्या हो, सारा अंतर इससे पड़ता है। अस्तित्व सुनता है तुम्हारी अंतर की दशा, तुम्हारे भीतर जो भाव है उसकी ही अनुगूंज तुम तक लौटती है। अब जितनी भी चीजें हैं वो अच्छी हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहता कि पूजा पाठ में भी कोई बुराई है। जितने भी क्रियाओं के नाम लिए हैं तुमने, उनमें कोई बुराई है ऐसा भी नहीं, सब शुभ है, ठीक है। लेकिन जीवन में संतुलन चाहिए, संतुलन ध्यान साधना में भी चाहिए। अगर उसमें संतुलन नहीं रहेगा तो भी समस्या खड़ी होगी। तुमको एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी है।
और घर वाले कैसे जिएंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बात को समझे पहले। पहला तो प्रश्न का जो आशय है वो यही है कि क्या कोई इस तरह की क्रियाएं करवा सकता है, जैसे किसी के लिए उच्चाटन शब्द का प्रयोग किया है। तो तंत्र विज्ञान में ऐसे तमाम शब्द चलते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, तमाम तरह की चीज़ें। जैसे कोई किसी खास क्रिया का विधि का उपयोग करके किसी को मार सकता है, कोई किसी को अपने वश में कर सकता है। उच्चाटन का अर्थ उसका पूरा जो जीवन है अप्रूटेड हो जाए, कहीं उसका चित्त ठिकाने ना रहे। क्या ऐसा संभव है? तो अगर ठीक ठीक समझें तो सारी चीज़ें निर्भर हैं विचारों पर। अगर तुम देखो लोगों के अपने विचार ही स्थिर नहीं रहते, जरा देर अगर उनको कोई विचार करने के लिए दे दो तो कितनी बार उनके विचार इधर से उधर, उधर से उधर होते चले जाएंगे, एक लंबी श्रृंखला में बदलते चले जाएंगे। लेकिन कभी अगर कोई ऐसा विचार जो किसी जगह पर टिक जाए तो वो अपनी ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और वो अलग अलग तरह से व्यक्ति को स्वयं और दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। नज़र लगती है, नज़र उतरती है, इस सब के पीछे भी यही सारी बात है कि विचारों का एक खास फ्लो। यहाँ पर जो बहुत प्रसिद्ध लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम है, उसे हमें ज़रूर समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम इसमें नहीं है कि तुम क्या विचार अपने ऊपर आरोपित करोगे। आकर्षण का नियम इसमें ज़्यादा काम करेगा कि तुम्हारी आंतरिक दशा क्या है, इनर स्टेट क्या है। और इनर स्टेट बदलती है या तो ग्रेस से, या उसी ग्रेस से घटी साधना से, या उसी ग्रेस से घटे ध्यान से। अब मान लो जितने भी उपाय तुमने लिखे हैं कि तमाम तरह के पूजा पाठ और इस तरह की कवच और रक्षा स्त्रोत सब करना, और उसके बाद भी नकारात्मकता का जारी रखना, तो इसमें मौलिक चीज़ क्या चल रही है? मौलिक चीज़ जो है वो फोकस भय पर है। फोकस इस बात पर नहीं है कि जो पूजा या जो भी साधना करी जा रही है उसमें कोई जॉय है, उसमें कोई आनंद है। वो तो एक भय के चलते हुए किया जाना वाला एक उपाय है। तो प्रोमिनेंट है भय, अस्तित्व सुनता है केवल तुम्हारी आंतरिक दशा और उसे ही तुम तक लौटा देता है, तुम्हारी तरंगे ही तुम तक लौट कर आ जाती हैं। तो लोग कई बार कुछ भी करें, पूजा पाठ करें, ध्यान साधना करें, लेकिन उनकी जो इनर स्टेट है वही उनको प्रभावित करेगी और उसी से जो आकर्षण की तरंग पैदा होगी उस पर सवार होकर सब कुछ उन तक आएगा। अस्तित्व हमको समृद्ध करता है, उसके कुछ नियम हैं और वही आंतरिक उपलब्धि भी है, वही साधना का गुणधर्म भी है और वही ध्यान की खिलावट भी है कि तुम्हारे अंदर स्वीकार उतरता है, तुम्हारे अंदर करुणा उतरती है, तुम्हारे अंदर शांति उतरती है, तुम्हारे अंदर तुलना का सारा जो जाल है वो गिर जाता है। स्वीकार सबका, अच्छे का, बुरे का, सबका स्वीकार, करुणा सबके प्रति, शांति एक ऐसी अवस्था है जो तभी आती है जब जीवन में तुम्हारे किसी भी तरह का कंटेंटमेंट घटता है, संतोष। और संतोष घटेगा तब जब पीछे की सारी चीज़ें तुम अप्लाई कर पा रहे होगे, तुम स्वीकार और करुणा में जी पा रहे होगे। तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में, निष्पत्ति के रूप में कंटेंट, और कंटेंट के ही एक शेड की तरह घटेगी शांति। अब स्वीकार अगर करते हो तो फिर अच्छे बुरे से कोई संघर्ष नहीं है, और तुलना से तुम बाहर होते हो तो किसी के प्रति निंदा नहीं, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं। होगा कोई बुरा चाहने वाला, कोई चाहता होगा तुम्हारा बुरा, तो कोई बात नहीं, चाहते रहते हैं लोग, दुनिया में लोग बहुत कुछ चाहते हैं, सब कोई अच्छा अच्छा चाहे, ऐसा तो तुम कभी
कोई रेगुलेटर अपने जीवन में ला नहीं सकते, ऐसा कोई रिमोट तुम्हारे पास में नहीं होगा कि तुम उसकी बटन दबाओ और सब अच्छा अच्छा ही चले। क्योंकि अच्छा भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है, वो भी तो एक अवधारणा ही है, क्या अच्छा है ये तो हमको पता नहीं। तो जब इन चीजों को देखा जाएगा तो ये सब चीज खत्म होगी। हमको अंधविश्वास से हटना है और चीजों को एक्चुअलिटी में स्वीकार करना है। रिप्लेस करो अपने भय को थोड़ा स्वीकार से, जीवन के प्रति थोड़ा प्रेम से भरो। और स्वीकार जब घटता है तो तुम देखो कितनी हमारी स्थिति अलग हो जाती है। जो लोग पूजा पाठ और भक्ति भावना में लगे हैं, तुम देखो उनके जीवन में तनिक भी स्वीकार नहीं। डिवोशन का पहला भक्ति यानी पूजा जो है वो डिवोशन का ही हिस्सा है, अंग है। और भक्ति या डिवोशन उसका जो आधार है, फाउंडेशन है, जो ईश्वर चाहे वो हो, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, वही है, जो है वही है, उसके सिवा तो कुछ और है नहीं। और जो उसके माध्यम से घटे सो घटे, जिसको बाइबल भी कहती है दाय विल बी डन, उसकी इच्छा पूरी हो। परमात्मा, परमात्मा एक अगेन कॉन्सेप्ट है, बस वही टोटेलिटी का एक फ्लो। तो जब तुम इस भाव दशा में आते हो तो ये भक्ति पैदा हुई। लेकिन आमतौर से भक्ति पूजा करने वाले क्या हैं, वो अर्जियाँ भी लगा रहे हैं, एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं परमात्मा के पास, वैसा कर देना, ऐसा नहीं करना। यानी कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास जो विजडम है वो एग्जिस्टेंशियल विजडम से कहीं ज़्यादा है। सारी अड़चन यहीं से आ जाती। और जैसे ही तुमने ये सोचा, तुम एक्सेप्टेंस से बाहर हो गए। फिर जो भी हुआ, अगर तुमने उसके साथ एक स्ट्रगल पैदा किया तो तुम स्वीकार में नहीं रहे। तुमने उस परमात्मा के उस फ्लो को रोका, उसके साथ तुम नहीं चले। अब देखो, अगर इस नज़र लगने की प्रक्रिया को ही देखें, अभी तो तुमको पता भी नहीं चला कि होगा क्या आगे। अभी तो तुमने बस सोचा कि ऐसा हो गया होगा, और हो गया होगा के सोच के साथ तुमने उपाय शुरू किए, तुमने नज़र उतारनी शुरू करी। अब अगर तुमको लगता है कि तुम उतार सकते हो, तुमको लगता है कि तुम उतार सकते हो, तो तुम देखो ये कितनी अजीब सी स्थिति है। तो तुमको तो बड़ा मैकेनिज्म पता चल गया, बड़ा विज्ञान पता चल गया, तो तुम चढ़ा सकते हो, तुम उतार सकते हो। ये तो कपड़े बदलने और उनको पहनने जैसी स्थिति हो गई। बेसिकली तुमको केवल एक अनुमान है, एक गैस है, तुम गैस वर्क कर रहे हो, तुम अनुमान लगा रहे हो, तुमको पता नहीं। अगर ये जितने भी स्त्रोत्र और मंत्र और ये सब कवच और ये सब चीज़ें होती हैं, अगर तुमको सीधा ही पता हो उनका काम हो रहा है तो तुम परेशान क्यों करोगे। तुम अपने कमरे में आए, बाहर निकले, तुमने उसको लॉक किया या तुमने उसका लॉक खोला, तुमको क्लियर पता है कि ताला बंद हुआ या खुला। अब तुम उस पर दोबारा नहीं सोचते, लेकिन तुम बार बार यही काम करते रहो, ताला बंद करते रहो, खोलते रहो, या उसके बाद भी चिंता में घिरे रहो, तो उसको मनोविज्ञान में कहेंगे डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर भी उसको बहुत पॉपुलर भाषा में OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्योंकि तुम निश्चित नहीं हो पा रहे हो, और निश्चित ना हो पाने की स्थिति यह है कि तुमको तो पता ही नहीं रहा कि हुआ क्या। जो जो चीज़ें हमको क्लियर होती हैं, तुम देखो उसमें हमको कोई परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल शांत होते हैं। हम यहाँ आए, बैठे तो बैठ गए, शांत है। जो इतना भी सीख लेता है कि जहाँ बैठे और बैठ जाए, वो भी भक्त हो जाता है, वो भी ध्यानी हो जाता है। लेकिन यहाँ बैठ कर भी जब किसी को यकीन ना आए कि बैठे भी हैं सचमुच, और बैठना भी चाहिए था कि नहीं चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, आकर गलती तो नहीं की, या आए तो कहीं वो काम तो नहीं छूटने वाला है, वो तो नहीं गड़बड़ होने वाला है, तमाम तरह के किंतु परंतु, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिसऑर्डर कि हमको बैठना भी नहीं आता।
बैठना नहीं आता तो श्रद्धा नहीं आती, तो स्वीकार नहीं आता तो शांति फिर कहां से आएगी। लेकिन ये क्लियर है, ये सीन बिल्कुल क्लियर है कि आप बैठे हैं, यू आर हियर, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए टेक्निकली, लेकिन फिर भी होता है लोगों को, फिर भी परेशानी चलती है। तो तमाम तरह की जो पूजा पाठ की स्थितियां हैं वो इसलिए बेकार हो जाती हैं क्योंकि तुमको अभी उनका कुछ भी पता ही नहीं कि वो काम करती भी हैं कि नहीं करती हैं। अगर वो करती होती तो 7-8 घंटे की ज़रूरत थोड़े ही है, वो तो काम हो गया। फिर रात में उठ उठ कर करने की ज़रूरत नहीं है कि रात में उठे और तुमने किया। और परमात्मा में अगर श्रद्धा की बात करें तो ये उसके भी खिलाफ है। अगर कुछ निगेटिव ही तुम्हारे जीवन में आना है तो आना है, स्वीकार करिए उसको, उससे भी कुछ निकलेगा। और कौन जानता है ये निगेटिव और पॉजिटिव का खेल क्या है, ये तो हमने अपने नॉर्म तय किए हैं। जीवन में हम तमाम चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनके बारे में अब हम बिल्कुल सेट हो गए हैं, यानी कि उनको देख देख के आदत पड़ गई है। नहीं तो तुम देखो, अगर पहली बार वैसी घटना हो तो कितना रोना धोना और स्यापा नहीं हो जाए। अगर पहली बार कोई सूरज डूबते हुए देखे, क्योंकि हमको हमेशा पता है कि सुबह फिर उगता है, सुबह फिर रोशनी होती है, लेकिन पहली बार शाम दिखे तो रोना धोना शुरू कि अब क्या होगा। और ये ताज्जुब की बात नहीं, कुछ लोग अंधेरे को इसीलिए निगेटिव मानते हैं, उनको लगता है कि अंधेरा जो है वो कुछ निगेटिव है। तो निगेटिव चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए अक्सर जब कहा जाएगा तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी आएगी डार्क फोर्सेस, यानी कि वो अंधेरी ताकतें, क्योंकि अंधेरे से हमको परेशानी है। डार्क फोर्सेस अगर हम केवल तकनीकी विभाजन की तरह से कहें तब तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन चूंकि अंधेरे से हमको डर लगता है और वो आदिम डर है, जब प्राचीन काल से व्यक्ति बड़ा ही श्योर नहीं था, तमाम चीज़ें उसके अंदर उलझन की तरह रहती थी, वो डर उसके अंदर समाया हुआ है, तो वो बन गई डार्क फोर्सेस। डार्क फोर्सेस निगेटिव तो नहीं होती, हमारे यहाँ तो डार्क गॉड्स हैं, शिव डार्क हैं, कृष्ण डार्क हैं, राम भी डार्क हैं, काली भी डार्क हैं, सब। काली बिल्कुल ही डार्क हैं, लेकिन शिव भी कोई बिल्कुल, या कृष्ण या राम भी वैसे नहीं भारत में हमने बनाए हैं। तो हमने तो उस धुंधलके का, अंधेरे का, श्याम पक्ष का बहुत ही प्यार से स्वीकार किया है, इसीलिए कृष्ण का नाम देखिए श्याम भी है। श्याम मतलब जो श्यामला है, धुंधलके से भरा है। धुंधलका तो मिस्ट्री लाता है, रहस्य लाता है। अब तुम अगर रहस्य को एंजॉय करते हो तो श्याम तुम्हारे लिए प्रीतिकर है, तुम रहस्य से डरते हो तो श्याम यानी जो अंधेरे का एक शेड है तुम्हारे लिए डराने वाला है। तो डरने की तो कोई चीज़ नहीं, पूजा पाठ से पहले कोशिश करो भक्त हो जाओ। भक्त का यही तात्पर्य है कि स्वीकार कर लो, जो वो कराए वो करो, जो ना कराए वो मत करो, चिंता किस बात की, शांति से बैठो। और देखो, तुमने लिखा है कि दूर रह के भी तुम प्रभावित हो और तुमको भी कभी कभी घर के किसी सदस्य पर शक आता है, ये होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। तुमको लगता है कि तुम्हारी माता जी एक ऐसे डिसऑर्डर में हैं जिसने उनके जीवन में शांति नहीं दी है, उथल पुथल है, लेकिन उनकी बातें सुनते सुनते तुम इन्फ्लुएंस होकर ये भी कभी कभी सोचने लग गई हो कि हाँ हो सकता है, ऐसा संभव है। और एक चीज स्पष्ट समझो कि ऐसी कोई भी चीज संभव नहीं होती, जो संभव होता है वो तुम्हारे अंदर से ही होता है। तुम अपने अंदर की स्थितियां बदलोगे, बाहर की स्थितियां बदल जाएंगी। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, चेंज योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, अपने आकर्षण का बिंदु बदलो। अगर तुम्हारे पास भय का बिंदु है
शक का बिंदु है तो वैसी ही चीजें तुम तक आएंगी। तुम्हारे पास अगर स्वीकार और शांति का बिंदु है, आकर्षण का बिंदु, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, तो वैसी चीजें आएंगी, इसमें अड़चन ही क्या है। और फिर देखो क्या लगता है, तुम तो परमात्मा के साथ बहने लग गए, और जो परमात्मा के साथ बहने लग गया उसको तो फिर वही संभालता है ना। तो किसी से डरो मत, शांत रहो, जो होना है वही होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। कभी इसको सोच कर देखना, जीवन में जो नहीं होना है वो नहीं ही होना है, और जो होना है वो होना ही है, तो डरना किस बात का, परेशानी किस बात की, किसी के साथ तुलना और उलझन, उलझाव, कॉन्फ्लिक्ट किस बात का। और फिर इसके बाद तुम्हारी माताजी के 7-8 घंटे बचेंगे, उनका वो कुछ और क्रिएटिव उपयोग कर पाएंगी और कम से कम शांति आएगी घर में, तो सारी चीज़ें संभव हैं। थोड़ा प्लेफुल हो जाओ, थोड़ा उन चीज़ों के साथ खेलो और फिर कोई समस्या नहीं।